तू ही, तुझे ऐसा लगता है तेरे बीनानू का दिल इतना छोटा है कि दो बच्चों से एक साथ प्यार नहीं कर सकते? अगर उसे अपनी बेटी मानूंगा तो तुझे भूल जाऊंगा, ऐसा लगता है तुझे? अगर भूल ही नहीं होते तो मेरे इतने गिड़गिड़ाने के बाद आप इसके फंक्शन पे नहीं आते, पर आप आए, इसकी तरफ से आए, इसकी फैमिली बन के आए। रुई, प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, एक बार प्लीज, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तुम अपने बीनानू के दिल का टुकड़ा हो, ये तुम्हारे बीनानू है पर मेरे परनानू भी तो हो सकते हैं। जब आपके लिए रूही के साथ अपना रिश्ता ही जरूरी नहीं है तो ये फोटो फ्रेम संभाल के रखने की क्या जरूरत है? हर माँ बाप का फर्ज होता है मनीष जी कि अपने बच्चों को डर से संभाले, उसे बचाए, पर आज अभीरा की वजह से आप इस फर्ज से चूक गए। रूही आपकी अपनी बच्ची है मनीष जी, जिसे बचपन से यही डर सताता आ रहा है कि सब उसे छोड़ देंगे, वो अकेली रह जाएगी, और आज आज आपने उसके इस डर को स्विच कर दिया है। और इस दुनिया में ना सिर्फ अभीरा अनाथ नहीं है, शायद आप भूल गए कि हमारी अपनी बच्ची रूही ने भी अपने माँ बाप को खोया है, और आज आज आपने अभीरा के लिए रूही को अकेला छोड़ दिया। दीदी प्लीज, अभीरा को आपके और भाई साहब के बीच में मत आने दीजिए। अभीरा को रूही और अपने बीच ये खुद लेकर आए। मेरा बस चले मेरी बच्ची, तो मैं कोई भी परेशानी तुझ पे ना आने दू, लेकिन बेटी अभीरा भी मेरी जिम्मेदारी है, और सो पहले हुए किसी हादसे की कीमत मैं उस बच्ची को नहीं चुकाने दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, हमेशा करूंगा कि तेरा हक कभी कोई ना छीने, लेकिन यही कोशिश मैं अभीरा के लिए भी करूंगा, उसका हक मैं किसी को नहीं छीनने दूंगा। रिश्ता क्या कहलाता है, लगता मौसम नहीं चाहता कि तुम दोनों का संगीत हो। वैसे तुम लोगों को भी घर से इतने दूर का वेन्यू ही चूज करना था क्या? मामी साहब, हमने तो बस जगह रेकमेंड की थी, हमें क्या पता था कि आज ही बारिश हो जाएगी। हमने खाना म्यूजिक सबका टॉप क्लास अरेंजमेंट किया था, अब सब वहाँ पहुँचेंगे कैसे? अरे आप सब लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आई एम श्योर बारिश थोड़ी देर में रुक जाएगी अभी। अच्छा, हमें अब निकलना चाहिए, ऐसा ना हो हमारे पहुँचने से पहले गेस्ट वहाँ पर पहुँच जाए। चलिए चलिए जल्दी निकलिए, चलो चलो अभी चलिए। अरे क्या हो गया? अभीरा! बेटा क्या हुआ? पता नहीं पापा, शायद मैकेनिक को फोन करना पड़ेगा। अरे बेटा ऐसा करते हैं कि इस गाड़ी को यहीं छोड़ देते हैं, ड्राइवर कलेक्ट कर लेगा। हाँ। हम लोग दूसरी गाड़ियों में एडजस्ट होके चलते हैं, वेन्यू पे भी तो पहुँचना है। वेन्यू तक कोई भी नहीं पहुँच पाएगा बेटा, बारिश की वजह से लेक ओवरफ्लो हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ तक के सारे रास्ते बंद कर दिए, कोई नहीं पहुँच पाएगा। हमें पता था इस लड़की का फंक्शन है, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर होगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।